इस चैनल पर हम आपके लिए मिस्टीरियस इंटरेस्टिंग फैक्ट और जानकारी से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाएं। लिंकेस्टिन एक ऐसा देश है जहाँ किसी भी प्रकार का खनिज नहीं पाया जाता और यहाँ पर गेहूं आलू जैसे चीजों का उत्पादन होता है। फिर भी इस देश को यूरोप का सबसे धनी देशों में से एक माना जाता है। तो आज हम आपको लिंकेस्टिन के बारे में कुछ ऐसे तथ्य बताने जा रहे हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। लिंकेस्टिन मध्य यूरोप में स्विट्जरलैंड के पास में स्थित एक बहुत ही छोटा देश है। यह देश कितना छोटा है आप इस बात का अंदाजा एक ही बात से लगा सकते हैं कि यहाँ की कुल आबादी लगभग 35,000 है, जो सिर्फ 11 म्युनिसिपैलिटी में फैला है। यहाँ की राजधानी और सबसे बड़ा शहर वाडूज है। इस देश में अभी भी राजतंत्र कायम है जो यहाँ के एक प्रिंस द्वारा चलाया जाता है। यह देश बहुत सारी चीजों के लिए स्विट्जरलैंड के ऊपर निर्भर है। यहाँ पर चलने वाली करेंसी स्विस फ्रैंक है, जिसका भारतीय मूल्य लगभग 69 रुपए होता है। लिंकेस्टिन स्विट्जरलैंड के ऊपर निर्भर होने के कारण वर्ल्ड बैंक के द्वारा ज्यादातर समय पर इस देश का आर्थिक रैंक निकाला नहीं जाता, इसलिए नॉर्वे को यूरोप का दूसरा धनी देश माना जाता है। लेकिन असल में यूरोप का दूसरा धनी देश लिंकेस्टिन है, जहाँ का सालाना प्रति व्यक्ति आय नॉर्वे से भी 30% ज्यादा है। इस देश में बेरोजगारों की मात्रा सिर्फ 1.5% है, जो यूरोप के अन्य देशों से काफी कम है। इस देश में खनिज पदार्थ काफी मात्रा में पाए जाते हैं और यहाँ के ज्यादातर हिस्सों में खेती की जाती है, लेकिन टैक्स की मात्रा काफी कम होने की वजह से इस देश में रजिस्टर कंपनी की संख्या यहाँ के कुल आबादी से अधिक है। लिंकेस्टिन यूरोप का एक ऐसा देश है जहाँ पर टैक्स की मात्रा बहुत ही कम है और यहाँ पर लगने वाले साधारण टैक्स की मात्रा लगभग ना के बराबर है। यहाँ पर कंपनियों के ऊपर लगने वाले टैक्स की मात्रा और कानूनी जटिलता बहुत ही कम है। यही कारण है कि दुनिया के बहुत सारी कंपनियां इस देश में काम करने का आग्रह करती है। 1970 से पहले यह देश इतना धनी नहीं था, लेकिन 1970 में टैक्स व्यवस्था और कानूनी व्यवस्था में बदलाव किया गया, जिसके बाद ज्यादातर कंपनियों के लिए इस देश में बिजनेस करना बहुत ही आसान हो गया, जिससे यह देश आर्थिक तौर पर एक मजबूत देश बन पाया। इस देश की बैंक किसी भी प्रकार की निजी जानकारी शेयर नहीं करती, इसलिए दुनिया भर के लोगों के लिए यहाँ पर काला धन रखना बहुत ही आसान है। लिंकेस्टिन में ज्यादातर लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं और यहाँ पर दूसरा बड़ा धर्म इस्लाम है। यहाँ पर शिक्षित लोगों की मात्रा 100% है। इस देश का रहन सहन यूरोप के अन्य देशों से काफी अच्छा माना जाता है। लिंकेस्टिन छोटा देश होने की वजह से यहाँ की संस्कृति पर अन्य देशों की संस्कृति का काफी प्रभाव देखा जा सकता है।